हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए क्या नोटिफिकेशन निकल कर सामने आई है। बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2023 बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने द्वितीय इंटर स्तरीय भर्ती एग्जाम डेट, देखिए द्वितीय इंटर स्तरीय भर्ती एग्जाम डेट, इनकी एग्जाम कब होगी, देखिए इनकी क्या वैकेंसी निकल गया, मतलब डेट एग्जाम डेट कब होगी, सारा कुछ बताएंगे वीडियो के अंत तक। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती एग्जाम डेट, जो भी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम देने का इंतजार करें उनकी एग्ज़ाम कब तक होगी, उम्मीद देखिए सारा कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो देखिए बीएसएससी ने इंटर लेवल 2023 में अभ्यर्थी को विविध रूप में अपना आवेदन सबमिट करने की एक माह के अतिरिक्त मोहलत दी है। अब द्वितीय इंटर भर्ती के लिए 11 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। कब तक किया जा सकता है, 11 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी आयोग ने द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी, एक महीना और बढ़ा दिया है। तो देखिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर तक है। फीस भुगतान की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2000, ये सब सारा कुछ प्रक्रिया पता ही आपको। और देखिए परीक्षा का आयोजन जनवरी या माह महीने में आयोजित होगी। परीक्षा कब होगी, कईयों का कहना था कि फीस ठीक से सबमिट नहीं हो पा रहा है, बहुतों की आवेदन प्रक्रिया दौरान लॉग आउट हो रहा है। वही बातें करें द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा एग्जाम डेट की, तो परीक्षा आयोजन जनवरी फरवरी 2024 में आयोजित हो सकती। कब हो सकती, जनवरी फरवरी में आयोजित हो सकती, लेकिन अभी तक तो यह खबर बिल्कुल अभी आई है। यह सबसे पहले आप पढ़ें, जी बिहार कॉम पर पढ़ रहे हैं, जैसे कि जानकारी मिल रही है अपडेट करें, आप हमारे साथ बने रहिए और खबर अपडेट रहिए। कुल 12,199 पद भर्ती इस परीक्षा में जरिए, इस परीक्षा के जरिए बिहार सरकार विभिन्न भागों में 12,199 पदों की भर्ती होगी। अगर सभी तक अभी तक इच्छुक उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया तो वह बिहार कर्मचारी आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कुल वैकेंसी 12,199 वैकेंसी है। 5503 अनारक्षित है, 1201 EWS, 1370 पिछड़ा वर्ग, 2083 और 1540 SC, 91 ST पिछले वर्ग की महिला, 404 पद है। तो उपरोक्त सभी बिंदुओं पर मदद में हम आपको न्यू अपडेट के बारे में बताया ताकि आप इस पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। तो उम्मीद करें आप सभी को, देखिए एग्जाम जो होगी, देखिए जनवरी या फरवरी में आयोजित हो सकती है इसकी जो एग्ज़ाम है बिहार एसएससी की, जनवरी और फरवरी में आयोजित हो सकती है। तो आप जो भी स्टूडेंट जितने भी हैं, मान ले लगभग इस एग्ज़ाम में 25 लाख प्लस एवं में फॉर्म भराएंगे, तो जो भी स्टूडेंट है पूरे जी जान लगा दीजिए, क्योंकि देखिए या तो जान लगा दीजिए या तो फिर जाने दीजिए, ये दो ही काम करना, या तो पूरा जान लगा दिया तो फिर जाने दीजिए। तो आप जनवरी ये सोच के चलिए कि एग्ज़ाम मेरा जनवरी फरवरी में हो जाएगी, क्योंकि आगे देखिए फिर चुनाव है, चुनाव में फिर क्या हो जाएगा, चुनाव में तो एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा। तो उम्मीद है कि जनवरी फरवरी में आपके एग्ज़ाम लेते, इसीलिए जान लगा दीजिए, चूँकि एक सीट कन्फर्म कर लीजिए। अपने पड़ोसी के बगल में डीजे बजाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को सेशन पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।